तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसा कि आप न्यूज़ का यहाँ पे कटआउट देख सकते हैं, अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी मनरेगा में जॉब पा सकते हैं। तो आइए इसी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो ये इनोवेटिव स्टेप कहाँ लिया गया है? जो ये स्टेप है वो नैनीताल के डीएम के द्वारा लिया गया है। उन्होंने एक नंबर जो है उसे जारी कर दिया है कि जिसे भी जॉब की ज़रूरत है मनरेगा के अंडर वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और ऐसा करने वाले वो पहले डीएम बन चुके हैं उनका, और उनका मानना है कि इससे हम जो जॉब कार्ड को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे व जिन जिन को भी जॉब की ज़रूरत है उसको भी हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इससे पहले क्या सिस्टम था जिससे कि मनरेगा के लोग जॉब पाते थे? तो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था इससे पहले? अगर आपको जॉब चाहिए होता था तो आपको प्रधान के पास जाना पड़ता था, लेकिन कुछ केसेस में प्रधान देरी से काम शुरू करवाता था और या फिर अपने समय के मुताबिक काम करवाता था, जो कि मनरेगा एक्ट के पर्पस को ही ख़त्म कर देता है। एक तरीके से ये मोर एफिशिएंटली काम करने का तरीका है जिसको कि डीएम ने लागू किया है। इस इनोवेटिव स्टेप के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो इससे माइग्रेंट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन माइग्रेंट लेबर है, उसको जॉब की आवश्यकता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो हम इससे उनका डेटा बना सकते हैं और उसी हिसाब से फिर स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके पीछे ये भी कारण दे रहे हैं कि नैनीताल जो है वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है Mgnrega के अंडर, जिसके कारण उन्हें ये स्कीम लानी पड़ी। डेटा के अनुसार 64% जो टारगेट है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है जुलाई महीने का, जबकि जुलाई महीना बीत चुका है। तो उसी में तेज़ी लाने के लिए ये कदम शायद उठाया गया है। जो भी है, काफ़ी अच्छा कदम उठाया है नैनीताल के डीएम ने। अगर आपका इस विषय में कोई विचार है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।